अलादी कृष्णा अय्यर, ऐसे हर जगह के लोग थे, यहाँ महाराष्ट्र के कामत साहब थे, सब लोगों ने कहा कि नहीं, अब भारत में मज़हब के आधार पर कुछ भी नहीं चलेगा। मैं बेसिकली इंजीनियर था और इंजीनियरिंग मैंने अपनी छोड़ी थी इसी काम के लिए। अच्छा। हाँ, मैं पहले मारुति में था, वहाँ छोड़ा मैंने इसी काम के लिए कि अब चलेंगे, अब सुप्रीम कोर्ट चलेंगे, बोल है कि एक देश में दो विधान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो राष्ट्रपति भवन के जो अधिकारी है ना, वो कोर्ट में उस नोटिस को चैलेंज नहीं कर सकते हैं, उनको जाना पड़ेगा वक्फ बोर्ड के सामने। में कहीं वक्फ जैसा और मजहब के आधार पे विभाजन, मजहब के आधार पे हुआ, फिर उसके बाद मजहब के आधार पे कैसे हो जाएगा। नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिनसे मिलने वाले हैं, हमारे साथ जो शख्स है वो बहुत ही बड़ा व्यक्तित्व है, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल लॉयर, आपके सभी के जाने माने अश्विनी कुमार उपाध्याय जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आजकल आप YouTube पे और सारे सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। पूरे देश में चर्चा है कि वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट बिल आने वाला है और हमारी नज़रें आप पर भी हैं। मैं भी JPC में काम कर रही हूँ और ज़्यादातर JPC में जो अंदर होता है मैं बात नहीं कर पाती बाहर, क्योंकि ये अलाउड नहीं है, लेकिन हम सुनते हैं कि आप बहुत ही अच्छी तरह से वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के संदर्भ में बहुत सारी बातें करते हैं। इसके पहले भी आपने अच्छी भूमिका देश हित में, आपके आप जो विधिज्ञ हैं, आपके ज्ञान का बहुत अच्छा उपयोग अपने देश के लिए किया है। जैसे कि बोला जाए तो 370 कलम हो, 35A हो, 3 तलाक हो, 4 शादियों के बारे में आपने कुछ कहा हो, यूनिफाइड सिविल कोड के बारे में कहा हो, यूनिफाइड बैंकिंग कोड के बारे में आप हमेशा कहते रहते हैं, तो बहुत ही अच्छा योगदान आपका रहा है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मेधा सूक्तम के दर्शकों को आपको रूबरू किया जाए, और मैं आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि हमारे दर्शकों के लिए आपने समय निकाला। आजकल आप बहुत भागदौड़ कर रहे हैं, बहुत बिजी है, फिर भी आपने समय निकाला, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। और बहुत ये हमारे लिए ज़्यादा उपलब्धि है कि जो बात हम नहीं कर पा रहे हैं आप बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं और देश के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ दीदी। मैं पुणे आता जाता रहता था, आपके बारे में सुनता रहता था। थैंक यू। आप यहाँ जब विधायक थी तब से मैं आपको जानता हूँ। थैंक यू। अभी आप सांसद हैं, आभार आपको व्यक्त करता हूँ। और आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ आप JPC में हैं और JPC में लगातार सही बात आप कहने की कोशिश कर रही हैं। सवाल यह है कि भारत संविधान से चलेगा जी, सबके लिए एक कानून होगा या अलग अलग होगा जी? संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, संविधान, ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो उसको कहते हैं संविधान जी। और ये मेरे हाथ में भारत का संविधान है। बिल्कुल। भारत में बहुविधान नहीं चलेगा, भारत में मजहब के आधार पर विभाजन विधान नहीं चलेगा, क्योंकि मजहब के आधार पर विभाजन हो चुका है। अब हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अलादी कृष्णा अय्यर, ऐसे हर जगह के लोग थे, यहाँ महाराष्ट्र के कामत साहब थे, सब लोगों ने कहा कि नहीं, अब भारत में मजहब के आधार पर कुछ भी नहीं चलेगा, सबके लिए एक विधान होगा। मेरी कोशिश यही है कि भारत में एक देश एक विधान हो, इसलिए मैंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए PIL फाइल किया है, यूनिफॉर्म पुलिस कोड के लिए फाइल किया है, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड के लिए फाइल किया है। शायद PIL मेरी 200 हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में 200 है, यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड के लिए है, यूनिफॉर्म टैक्स कोड के लिए है, यूनिफॉर्म लेबर कोड के लिए है, ऐसे मेरी करीब 200 PIL हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मिला के। मैं बेसिकली इंजीनियर था और इंजीनियरिंग मैंने अपनी छोड़ी थी इसी काम के लिए। अच्छा। हाँ, मैं पहले मारुति में था, वहाँ छोड़ा मैंने इसी काम के लिए कि अब चलेंगे, अब सुप्रीम कोर्ट चलेंगे, वहाँ से देश की सेवा करेंगे। तो पहला सवाल हम इनसे पूछते हैं कि ये वक्त क्या है और ऐसा कानून क्यों बनाया गया जो अलग अलग मजहब के लिए अलग अलग हमारे देश में, ऐसा बोर्ड क्यों बनाया गया और अब क्या रिक्वायरमेंट है कि अमेंडमेंट किया जा रहा है, इसके बारे में अगर आप हमें जानकारी दे। ये दीदी मेरे हाथ में वक्फ एक्ट है जी,
शुरुआत इसकी अंग्रेजों ने किया था 1917 में जी। उसके बाद फिर 1954 में इसको नेहरू जी ने बनाया, फिर इंदिरा जी ने इसको मजबूत किया, उसके बाद राजीव गांधी जी ने इसको बदला। 1995 में नरसिम्हा राव जी ने पुराना जितना चल रहा था सबको ख़त्म करके एक नया बना दिया। 2013 में जाते जाते मनमोहन सिंह जी ने इसको और बदल दिया। वक्फ का मतलब होता है दान करना, वक्फ का मतलब होता है चैरिटी करना, डोनेट करना। तो जैसे हिंदू जैन बौद्ध सिख दान कहते हैं, उसी को मुस्लिम्स वक्फ कहते हैं, उसी को क्रिश्चियन चैरिटी कहते हैं, बात एक ही है। अब दुर्भाग्य आप देखिए, हम कहते हैं भारत में संविधान है, संविधान का मतलब एक देश एक विधान, जो कानून होना चाहिए सबके लिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी यही कहा था कश्मीर के लिए अलग विधान, अलग निशान और अलग नहीं होना चाहिए। तो एक देश एक विधान का मतलब ये हुआ कि फिर वक्फ एक्ट होना नहीं चाहिए। बिल्कुल, अगर वक्फ एक्ट है तो हिंदू के लिए हिंदू बोर्ड और हिंदू ट्रिब्यूनल क्यों नहीं है, जैन के लिए जैन बोर्ड जैन ट्रिब्यूनल क्यों नहीं है, बौद्ध के लिए बौद्ध बोर्ड बौद्ध ट्रिब्यूनल क्यों नहीं है, यहूदी के लिए अपना बोर्ड अपना ट्रिब्यूनल क्यों नहीं है, बहाई के लिए अपना बोर्ड अपना ट्रिब्यूनल क्यों नहीं है, पारसी रहते हैं भारत में उनके लिए अपना बोर्ड अपना ट्रिब्यूनल, ऐसे लगभग 100 रिलीजन भारत में रहते हैं, 100 बिलीफ को फॉलो करने वाले भारत में रहते हैं, किसी के लिए नहीं है। तो ये वक्फ का मतलब दान करना होता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये वक्फ कोई ऐसी चीज़ नहीं है केवल मुस्लिम करते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा वक्फ तो हिंदू करते हैं, सबसे ज़्यादा जो वक्फ करते हैं उसको दान कहते हैं, जैन करते हैं। पूरे देश में धर्मशाला बनवाते हैं बिरला जी, बिरला मंदिर बनवाते हैं, बिरला धर्मशाला बनवाते हैं। ऐसे हमारे जितने माहेश्वरी समाज के लोग हैं, हमारे जैन क्या बोलते हैं मारवाड़ी समाज के लोग हैं, हमारे जो है वैश्य समाज के लोग हैं, अग्रवाल समाज के लोग हैं, सबसे ज़्यादा चैरिटी तो वो करते हैं। अनफॉर्चुनेटली उनके लिए कोई अलग से नियम कानून नहीं है, लेकिन वक्फ के लिए है। हमारा यही विरोध है कि एक देश में दो विधान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 2013 में जो बहुत ज्यादा ताकत इस बोर्ड को दी गई वो क्या है? 2013 में क्या हुआ कि 95 में पहले दी, हाँ, कांग्रेस की सरकार ने पुराना जो वक्फ एक्ट नेहरू जी वाला था 1954 का, उसको वापस ले लिया और 1995 में जो कानून बनाया उसमें क्या हुआ, इसको अनलिमिटेड पावर दे दिया। मतलब वो जहाँ हाथ रख दें वही उनकी ज़मीन हो गई, उनको कोई जांच नहीं करना, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करना, कोई कागज़ नहीं दिखाना, किसी को नोटिस भेजने से पहले भी नहीं करना कि हाँ ये ज़मीन है किसकी नहीं है। कंडीशन क्या डाला कि एक अखबार में नोटिस देंगे कि ये ज़मीन वक्फ की है, अगर 30 दिन के अंदर किसी ने जवाब नहीं दिया तो वो ज़मीन ऑटोमेटिक वक्फ की हो जाएगी। भारत में ऐसे भी अखबार निकलते हैं जिसको 100 लोग भी नहीं पढ़ते, ऐसे भी अखबार निकलते हैं, आपके पुणे में भी निकलते होंगे, मुंबई में भी निकलते हैं, जो छपते हैं और ऑफिस में ही रहते हैं, बाहर कोई पढ़ता ही नहीं, खरीदता ही नहीं। तो उसमें ये भी नहीं लिखा कि किस अखबार में निकलना है, कि सर्कुलेशन वाइज टॉप 5 में निकलना है, टॉप 3 में निकलना है, स्टेट में जो सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन होगा उसमें निकलना, कहीं कुछ कंडीशन नहीं। 2 लाइन की नोटिस निकालना है कि 10 लाइन की नोटिस निकालना, ये भी नहीं लिखा। छोटे छोटे फॉन्ट में लिखना या बड़े बड़े फॉन्ट में लिखना, ये भी नहीं लिखा। तो बड़ी चालाकी से वक्फ बोर्ड ने क्या किया, इन्होंने अपना छोटे छोटे ऐसे ऐसे अखबारों में नोटिस देते थे जिनको कोई पढ़ता ही नहीं है, और बाद में 30 दिन के बाद कलेक्टर को कहते थे ये ज़मीन वक्फ की हो गई है, अब इसको तुम ट्रांसफ़र कर दो। इस वक्फ एक्ट में जो 1995 में नेहरू ये नरसिम्हा राव ने कांग्रेस ने बनाया, उसमें कलेक्टर वक्फ बोर्ड के नीचे है। वैसे जो कलेक्टर होता है, जो डीएम होता है, या जिसको कहीं कलेक्टर कहते हैं कहीं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, वो जिले का मालिक होता है, इवन वो कप्तान से ऊपर होता है, सबसे ऊपर होता है वो जिले का। एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सबका हेड कौन होता है, डीएम होता है। आपके महाराष्ट्र में इसको डीसी कहते होंगे, कलेक्टर कहते हैं, डीसी कलेक्टर। लेकिन ये वक्फ बोर्ड जो है ये डीसी के भी ऊपर बैठा हुआ है। मतलब अगर ये कह दे वक्फ बोर्ड को कि ये जो फलाने वाला जो गांव है ये वक्फ बोर्ड का है, तो डीएम की इतनी हिम्मत नहीं है उससे बोले कि नहीं नहीं तुम गलत कह रहे हो, ये तो हम इस गांव को, ये गांव तो 3000 साल पुराना। अगर वक्फ बोर्ड कहेगा इसको खाली कराओ, उसको खाली कराना है। मतलब इसमें इतनी पावर दे दिया गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ये वक्फ बोर्ड कह दे कि ये सुप्रीम कोर्ट वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार जनरल हैं उस वक्फ बोर्ड की नोटिस को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। उनको जाके उसी अमानुल्लाह खां, जो वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष है अभी, तो शायद ईडी उसको जेल में ईडी पकड़ के ले गई है, उस अमानुल्लाह खां के सामने जाके हाथ जोड़ना पड़ेगा, नहीं नहीं भैया ये सुप्रीम कोर्ट है, ये वक्फ बोर्ड की नहीं है।
इतनी पावर दे दिया कि अगर राष्ट्रपति भवन को कह दे वक्फ बोर्ड, ये राष्ट्रपति भवन वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे, और वक्फ बोर्ड को राष्ट्रपति भवन को वक्फ डिक्लेयर करने के लिए कोई कागज नहीं दिखाना, उसको ये नहीं दिखाना कि ये जो मुगल गार्डन है, ये राष्ट्रपति भवन है, ये मुगलों का, उसको बस सिंपल नोटिस भेजना है, तो राष्ट्रपति भवन के जो अधिकारी है ना, वो कोर्ट में उस नोटिस को चैलेंज नहीं कर सकते हैं, उनको जाना पड़ेगा वक्फ बोर्ड के सामने जिसने नोटिस भेजा। तो मतलब वही चोर, ट्रिब्यूनल इज फाइनल, वही चोर, वही दरोगा, वही इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर और वही जज, सारी शक्तियां एक ही उसको दे दिया गया है। ये गलत है, ये भारत में नहीं होता है। और अभी जो हमने अमेंडमेंट में लिखा है, मतलब आने वाला है शायद, कि अमेंडमेंट में है लेकिन पास नहीं हुआ है, लेकिन उसमें है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ये पावर्स दिए जाएंगे, अगर डिस्प्यूट है तो वो डिसाइड करेंगे, उसके सर्च निकलेगा, सर्वेयर होगा, सब निकलेगा। उनको मिर्ची लगी है वो बोल रहे हैं कि वो बायस होंगे, वो शासकीय अधिकारी कैसे कर सकता है, ये उनका ऑब्जेक्शन है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, इसके ऊपर उनका बहुत ही विरोध है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ये अधिकार नहीं जाने चाहिए, क्योंकि अगर सरकार के पास, सरकार उसके ऊपर है तो उसका इफेक्ट रहेगा। नहीं, वो क्यों नहीं जा, वो क्यों विरोध कर रहे हैं आपको मैं बताता हूँ। जब देश आजाद हुआ तो वक्फ बोर्ड के पास 45,000 एकड़ जमीन थी, 45,000 एकड़ जमीन। आज की डेट में वक्फ बोर्ड के पास 9.5 लाख एकड़ जमीन है, यानी पिछले 75 साल में 9 लाख एकड़ जमीन बढ़ गई। वैसे मैं आपको बताऊं कि दुनिया के 50 देशों का जो क्षेत्रफल है ना, वो 10 लाख एकड़ से कम है। जैसे बहरीन का क्षेत्रफल है 75,000, मालदीव का क्षेत्रफल है 75,000 एकड़, भारत में वक्फ बोर्ड के पास लगभग 9.5 लाख एकड़ है, अभी 10 लाख एकड़ हो चुका है, 10 लाख एकड़ है, 10 लाख एकड़ हो चुका है, हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में वक्फ बोर्ड के जमीन पे 12 मालदीव बन सकता है। बहरीन का क्षेत्रफल 1,75,000 एकड़ है, वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ है, यानी भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर 5 बहरीन बन सकता है, भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर 3 सिंगापुर बन सकता है, भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर 2 मॉरिशस बन सकता है, भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर 2 लग्जमबर्ग बन सकता है। 50 देशों का क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम है और भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। वो इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि सच्चाई ये है कि जैसे इसका विरोध कौन कर रहे हैं, जैसे ओवैसी हो गए, मदनी हो गए, बुखारी हो गए, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, इन्होंने वक्फ बोर्ड के नाम पे 2,000 एकड़ जमीन, 3,000 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के नाम पर इकट्ठा कर लिया है, उस पर फार्म हाउस खोल दिया है, उस पर उनके मैरिज हॉल चल रहे हैं, उस पर मतलब बड़ी बड़ी उस पर पार्टियाँ उनकी चल रही हैं, उसको उन्होंने किराए पे दे दिया है, बहुत सारी जगह तो दुकानें उठा बना बना के उसको किराए पर उठा रखा है, मतलब दुनिया भर का उस पर वो सीधे सीधे। तो मैं अब नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन 3-4 ऐसे मैं नेताओं को जानता हूँ जिन्होंने लगभग 3,000 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड पे, वक्फ बोर्ड की जमीन को कब्जा करके रखा हुआ है, अलग अलग नामों से, उसको लीज पे करके, ये करके, वो करके, अलग अलग, बहुत। इसका फायदा गरीब मुस्लिमों को भी नहीं, एकदम नहीं। मैं कह रहा हूं कि भारत में 99% मुस्लिम्स को वक्फ बोर्ड का एक कोई फायदा नहीं मिला, जीरो। इसका सारा का सारा फायदा वो जो पॉपुलर, जो मतलब स्ट्रांग मुस्लिम्स हैं, जो बड़े मुस्लिम हैं, जो अरबपति खरबपति मुस्लिम हैं, या वो मुस्लिम्स जो MP वगैरह बन चुके हैं, MLA बन चुके हैं, या वो मतलब जो बड़े प्रभावशाली मुस्लिम से हैं, वही इसका फायदा उठा रहे हैं और वही इसका विरोध कर रहे हैं। सच्चाई ये है, इस समय वक्फ बोर्ड के खिलाफ 120 PIL चल रही पूरे देश भर में, उसमें से 20 PIL तो मुस्लिम्स ने फाइल किया हुआ है, मुसलमान भी इससे परेशान है, उनकी ज़मीनों को भी वक्फ डिक्लेयर कर करके उस पर कब्जा कर लिया, अपना काम कर रहे हैं। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल के साथ साथ ये अपने आप में एक तरीके से मुसलमानों के भी खिलाफ है, और मैं इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए कहता हूँ। जी हाँ सर, आप उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि ये हम, वो बोल रहे हैं कि वो ये आपको जो अमेंडमेंट है, हाँ, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, 25 सेक्शन 25 एंड 26 आर्टिकल 25 यस आर्टिकल 25 एंड 26 के ऊपर वो ज्यादा फोर्सफुली बोल रहे हैं कि इसके खिलाफ ये आप अमेंडमेंट ला रहे हैं। देखिए, वो इसलिए बोल रहे हैं कि पहली बात तो भारत में झूठ बोलना अपराध नहीं है। संविधान ने आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया, वो सच बोलने की आज़ादी दिया था। हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा नहीं था कि आने वाले टाइम में इतने झूठे लोग पीपल रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे, वो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। तो संविधान सच बोलने का अधिकार देता, लेकिन वो फ्रीडम ऑफ स्पीच में लोग झूठ बोल, उसको झूठ बोल रहे हैं।
आर्टिकल 25-26 क्या है पहले समझिए। आर्टिकल 25 ये कहता है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर हेल्थ एंड मोरालिटी यू हैव द राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपको अपना रिलीजन मानने की आज़ादी है लेकिन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मतलब आप कोई अनैतिक काम नहीं करेंगे, ऐसा कोई रिलीजन मानने में काम नहीं करेंगे जैसे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए, किसी का हेल्थ खराब हो जाए, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। इसलिए बहुत सारी PIL है, जो जब जब हमने PIL किया, हमने 3 तलाक चैलेंज किया, ये लोग चिल्लाते रहे आर्टिकल 25 हमारा फंडामेंटल राइट है। मतलब ये तो हलाला को भी अपना फंडामेंटल राइट मानते हैं, 4 शादी को भी फंडामेंटल राइट मानते हैं, सारी जितनी इनकी कुरीतियाँ हैं सबको आर्टिकल 25 में कहते हैं तो हमारा कवर हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। आर्टिकल 25 रीतियों का अधिकार देता है, कुरीतियों का नहीं। आर्टिकल 25 प्रथा का अधिकार देता है, कुप्रथा का नहीं। आर्टिकल 25 धर्म का अधिकार देता है, धर्मांतरण का नहीं। अच्छा, हाँ, ये तो सब आर्टिकल 25 में लोगों की कहानी पूरी चल रही है। हमने इसको चैलेंज किया है, अभी मेरी धर्मांतरण पे भी मेरी PIL चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 26 में ये कहा गया है कि सबको अपने अपने जो रिलीजियस प्लेस है उसको मैनेज करने का अधिकार है, मेंटेन करने का अधिकार है। लेकिन आर्टिकल 26 में ये थोड़ी कहा हुआ है कि तुम दूसरों की ज़मीन पे कब्जा कर लो, वहाँ मज़ार बना लो, वहाँ दरगाह बना लो, वहाँ पक्का कब्रिस्तान बना लो, वहाँ कुछ और बना लो वक्फ। आर्टिकल 26 रिलीजियस प्लेस को बनाना, मैनेज करना, मेंटेन करने का अधिकार देता है। ये थोड़ी कहता है कि हाईवे के किनारे जमीन कब्जा कर लो, पहाड़ियों को कब्जा कर लो, जंगलों को कब्जा कर लो, जितने खेल के मैदान कब्जा कर लो, ऊसर ज़मीन, बंजर ज़मीन, पार्क सब कब्जा करते जाओ, ये नहीं कहता। ये झूठ बोल रहे हैं, और झूठ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि संविधान में लिखा क्या है इसकी थोड़ी जानकारी बहुत कम लोगों को है। उसका फ़ायदा है OIC एंड कंपनी उठा रही है कि कुछ भी झूठ बोल दो, संविधान तो कोई खोलेगा नहीं, आर्टिकल 25-26 में क्या लिखा कोई पढ़ेगा नहीं। लेकिन मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ सबको एक बार आर्टिकल 25-26 पढ़ना चाहिए, लिखा क्या है। ये इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि भारत के संविधान में WAQF कहीं लिखा ही नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा। ये जो वक्फ एक्ट बना है ना, ये संविधान के बिल्कुल खिलाफ बना हुआ है। संविधान में वक्फ कहीं लिखा ही नहीं है। तो ये कैसे इंट्रोड्यूस हुआ? बस ये बन गया तो बन गया, जैसे आर्टिकल 370 बन गई, आर्टिकल 35 ए बन गया, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बन गया। कांग्रेस ने, मुगलों ने यहां पे इस्लाम को फैलाने के लिए नियम कानून बनाए, अंग्रेजों ने क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए नियम कानून बनाया, और कांग्रेस ने दोनों का काम आगे बढ़ाया। क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए भी नियम कानून बनाया और इस्लाम को फैलाने के लिए भी नियम कानून बनाया। ये वक्फ एक्ट जो नेहरू जी ने 1954 बनाया, केवल और केवल इस्लाम को आगे फैलाने के लिए बढ़ाया था, क्योंकि उसके पहले अंग्रेज 1894 में लैंड एक्विजिशन एक्ट बना के भारत की लाखों एकड़ जमीन चर्च को दे चुके थे। तो अंग्रेजों, पूरे भारत में आप देख लीजिए जहां जहां सिविल लाइन बनी है, आपके पुणे में भी सिविल लाइन है ना, हाँ, ये सब उसी 1894 वाले कानून से बनी है। और आपकी सिविल लाइन में भी ना चर्च के पास जमीन होगी, क्रिश्चियन के पास वहां जमीन होगी, ये काम उन्होंने किया ही था, इसी काम के लिए किया था। तो 1894 में अंग्रेजों ने पूरे देश भर में अलग अलग सिविल लाइन बना बना के चर्च को इस्टेब्लिश कर दिया, मिशनरीज को इस्टेब्लिश कर दिया, चर्च अपने मिशनरीज के स्कूल खुलवा दिए, मिशनरीज के हॉस्पिटल खुलवा दिए। किसी भी देश पे कब्जा करने का 3 तरीका होता है, वहाँ एक कम्युनिटी का आप रिलीजियस प्लेस बनवाते जाइए, उनके हॉस्पिटल खुलवाते जाइए, उनके स्कूल खुलवाते जाइए, तो उनका वो प्रमोशन होता गया, प्रोपोगेशन। अल्टीमेटली चर्च में और आज की डेट में जो मिशनरी स्कूल है, हॉस्पिटल है, वहाँ पे धर्मांतरण भी बड़ा तेजी के साथ होता है। नेहरू जी ने फिर क्या किया, 1954 बनाया, बाद में बदला है। वक्फ जैसा शब्द भारत के संविधान में नहीं है, संविधान में जो शब्द यूज किया है वो चैरिटी और एंडाउमेंट, हिंदी में कहेंगे दान और धर्मस्थल। तो संविधान में जो भी कानून बनना चाहिए वो जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, रिलीजन न्यूट्रल होना चाहिए। तो अगर चैरिटी लिखा है तो यानी यूनिफॉर्म चैरिटी कोड बनना चाहिए, हिंदी में कहेंगे समान दान संहिता। संविधान में लिखा हुआ है इंडाउमेंट, इसका मतलब यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड होना चाहिए, हिंदी में कहेंगे समान धर्मस्थल संहिता। संविधान में प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, यानी यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड होना चाहिए, समान संपत्ति संहिता। संविधान में कहीं वक्फ जैसा और मजहब के आधार पे, विभाजन मजहब के आधार पे हुआ, फिर उसके बाद मजहब के आधार पे कैसे हो जाएगा? भारत में 18 से ज्यादा ट्रिब्यूनल चल रहे हैं, एक भी ट्रिब्यूनल मजहब के आधार पे नहीं चल रहा, केवल वक्फ ट्रिब्यूनल मजहब के आधार पे है। आपका इन्वायरमेंट के लिए NGT है, जनरल न्यूट्रल है, रिलीजन न्यूट्रल है, इनकम टैक्स के लिए अपना ट्रिब्यूनल है, GST के लिए अपना ट्रिब्यूनल है, ऐसे अलग अलग ट्रिब्यूनल चल रहे हैं, सब जनरल न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल। केवल 2 कम्युनिटी को संविधान में छूट दिया है, एक महिलाओं और बच्चों के लिए दिया है, एक SC ST के लिए दिया है। महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से आप मंत्रालय बना सकते हैं, अलग से आप आयोग बना सकते हैं, अलग से उनके लिए योजना बना सकते हैं, अलग से उनके लिए बजट एलोकेट कर सकते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 कहता है।
ऐसे आर्टिकल 46 में आप एससी एसटी के लिए अलग से मंत्रालय बनाइए, अलग से कमीशन बनाइए, अलग से उनके लिए ट्रिब्यूनल बनाइए, अलग से उनके लिए बजट एलोकेट करिए, सब कुछ अलग से कर सकते हैं। दो ही कम्युनिटी, तीसरे किसी को इसमें छूट नहीं दी हुई है। वक्फ बोर्ड ये जनरल न्यूट्रल नहीं है, वक्फ ट्रिब्यूनल भी रिलीजन न्यूट्रल नहीं है, ये एक मजहब के लिए बना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी बोलते हैं, और मैंने एक आपके वीडियो में देखा था कि अन इस्लामिक और अन कुरानिक भी बोलते हैं आप, तो ये क्या है? मतलब हमेशा बाकी ओएसी और बाकी लोग तो बोलते हैं कि ये इस्लाम के तहत है, वक्फ है, नहीं, ये इतना अच्छा उसका बैकग्राउंड है, वो बहुत झूठ बोलते हैं। लेकिन आप बोलते हैं कि ये इस्लाम में नहीं है, वैसे कुरान में नहीं है। कहते हैं कि मुस्लिम्स को झूठ नहीं बोलते, मुस्लिम पाक होते हैं, मुस्लिम नेक होते हैं, जो ईमान वाला है उसी को मुसलमान कहते हैं, ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं। लेकिन ओएसी से बड़ा झूठा आदमी मैंने देखा नहीं भारत में। सुबह से लेकर शाम तक मिसलीड करना, झूठ बोलना, गुमराह करना, ओएसी को कॉन्स्टिट्यूशन पता है, अच्छे वकील है वो, ये मैं जानता हूँ। लेकिन अच्छे वकील का मतलब थोड़ी कि झूठ बोलना, अरे वकालत का मतलब सच बोलना भी होता है, वकालत का मतलब थोड़ी कि देश विरोधी काम करना, वकालत का मतलब देश से प्रेम करना भी होता है, हमने भी वकालत किया है। अन कुरानिक क्यों है और अन इस्लामिक क्यों है आप समझिए, जो हदीस में लिखा हुआ है, ये हम अपनी बात कर लेते हैं। हम दान करते हैं तो दान में क्या करते हैं, कैश दान करते हैं, कुछ लोग गाड़ी वाड़ी भी, कार वार, वैन, एम्बुलेंस डोनेट करते हैं, कुछ लोग जमीन दान करते हैं। क्या मुझे अगर जमीन दान करना है तो आपकी जमीन पर मैं कब्जा करके दान कर सकता हूं क्या? बिल्कुल नहीं। मुझे कैश अगर डोनेट करना है तो आपकी पर्स मार के, आपका मैं पर्स छीन के उसको डोनेट कर सकता हूं क्या? नहीं। मुझे अगर कार दान करना है तो आपकी कार थोड़ी चोरी कर लूं, आपकी कार रात को चुरा ले जाऊं उसको दान कर दूं, ये थोड़ी कर सकता हूं। शब्द जो यूज किया है कि जो भी आपको वक्फ करना है वो पाक होना चाहिए जी, हलाल होना चाहिए और नेक तरीके से कमाया होना चाहिए। इसका मतलब कि हमारी जो पुश्तैनी जमीन है और हमारे पिताजी दादाजी ने जो नेक तरीके से ईमानदारी से मेहनत से कमाया वो जमीन हम दान कर सकते हैं, या हमने अगर कोई ईमानदारी मेहनत से जमीन कमाया उसको हम दान कर सकते हैं, उसी को वक्फ कह सकते हैं। तो मुस्लिम भी, ये फार्मूला सबके लिए है, मुस्लिम पे यही फार्मूला होता है, जो आप जमीन वक्फ कर रहे हैं वो पाक होनी चाहिए, जायज तरीके से कमाना चाहिए, मेहनत ईमानदारी से कमाना चाहिए और खुद की होनी चाहिए या पुश्तैनी होनी चाहिए। वो बार बार जो डीएम के पास जाने का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने दान किया ही नहीं है, वो अवैध कब्जा करके बैठे हुए। अब इस्लाम की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से मुगल, यहां मुगलों की प्रॉपर्टी वक्फ हो ही नहीं सकती है। मुगलों को, उनके नवाबों को, उनके निजामों को, उनके जागीरदारों को, उनके जमींदारों को वक्फ करने का अधिकार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने भी मुगल थे, बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, जितने भी खिलजी, ऐबक जो भी हैं, वो अपने गांव से कोई जमीन लेकर थोड़ी आए थे। वो तो यहाँ आए, उन्होंने हत्या किया, बलात्कार किया, आगजनी करवाया, गांव खाली करवाए, उस पर कब्जा कर लिया, तो वो जमीन तो नापाक हो गई, वो जमीन तो हराम हो गई, वो जमीन जायज हुई नहीं, वो जमीन हलाल हुई नहीं, तो फिर आप उसको दान कैसे कर सकते हैं? इसलिए इस्लामिक कुरान के हिसाब से और हदीस के हिसाब से मुगलों, निजामों, उनके नवाबों, उनके जागीरदारों, उनको जमींदारों को वक्फ का अधिकारी नहीं था। अब आते हैं हम आज़ादी के बाद। आज़ादी के समय भारत में वक्फ बोर्ड के पास 45,000 एकड़ या 50,000 एकड़ मान लीजिए, आज के देश में भारत के पास वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़, यानी लगभग 9.5 लाख एकड़ जमीन बढ़ गई पिछले 75 साल में। ओएसी साहब के परिवार ने वक्फ किया नहीं, या तो आप जेपीसी में एक बार आप पूछ लेना, भैया आपके परिवार ने कितना वक्फ किया बताओ। बुखारी की फैमिली ने कोई वक्फ किया नहीं, मदनी की फैमिली ने कुछ वक्फ किया नहीं, दुरानी की फैमिली ने कोई वक्फ किया नहीं। ये मैं जो नाम किस क्यों ले रहा हूं आपको बताऊं, बड़े बड़े नाम, क्योंकि भारत में 99% जो मुस्लिम है वो कन्वर्टेड हिंदू है, इनको मैं मुस्लिम कहता भी नहीं, इसलिए मैं उनके लिए जो वर्ड यूज करता हूं कन्वर्टेड हिंदू। अरब वाले भी जो भारत के 99% मुस्लिम, उनको कन्वर्टेड हिंदू ही कहते हैं, उनको हिंदू कहते हैं एक्चुअली। केवल 1% लोग हैं जो वास्तव में मुसलमान हैं, जो बाहर से आए, जैसे बुखारा से बुखारी साहब आए, दुरान से दुरानी साहब आए, मदीना से मदनी आए, ओएसी साहब भी ईरान से आए, अफगानिस्तान से आए, ये फैमिली वहाँ से आई, कुछ पठान आए अफगानिस्तान से आए,
ये लोग हैं मुस्लिम, अदरवाइज तो सब यहीं के कन्वर्टेड लोग हैं। अब जो यहां के कन्वर्टेड है, जिनको तलवार के दम पे कन्वर्ट किया गया, जो पहले नापाक लोग थे उनको तलवार पे कन्वर्ट किया, उनको भी देने का अधिकार नहीं है जमीन, वो कैसे दे देंगे? उनकी जमीन जबरदस्ती आपने कब्जा करके आप कह रहे हो वक्फ है, कैसे होगा? वो भी तलवार के दम पे किया। सच्चर कमेटी कहती है और बाकी ओएसी खुद भी कहते हैं कि भाई मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है। जब मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है और मुसलमानों के पास रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था नहीं है तो वक्फ कैसे करेंगे वो? और ये इस मामले में ओएसी की बात मानता हूँ, क्योंकि पिछले 10 साल में 2014 के बाद से जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, मैंने सारी योजनाओं को एनालिसिस किया, जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे मुफ्त राशन योजना, मुफ्त अनाज योजना, मुफ्त वजीफा योजना, मुद्रा लोन योजना, सभी का फायदा ले रहे हैं। नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, 35%। अच्छा, मिनिमम 35% देश में मुस्लिम्स हैं, 15% जैसा वो कहते हैं जनगणना जो 2011 वाली है, लेकिन आज की डेट में सभी केंद्र सरकार की योजनाओं का 35% लेते हैं। तो जो आदमी मुफ्त में राशन ले रहा है, मुफ्त में अनाज ले रहा है, मुफ्त में दुकान ले रहा है, मुद्रा लोन ले रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो वक्फ कैसे करेगा? जिसके पास खुद ही घर नहीं है, जिसके पास खुद की जमीन नहीं है, जिसके पास खुद का कोई दुकान मकान नहीं, वक्फ कैसे कर देगा? इसलिए वो कागज नहीं दिखाना चाहते। मेरा ये मानना है, ये जो 9.5 लाख से ज्यादा है, 9.5 लाख एकड़ जमीन बढ़ी है पिछले 75 साल में, ये पूरी तरीके से इस घटिया कानून का दुष्परिणाम है। वक्फ बाई यूजर है। चारागाह जितने थे उस पर कब्जा कर लिया, गोचर जमीन पे कब्जा कर लिया, बंजर जमीनों पे जहां जहां जगह मिली वहां कब्जा करते गए, हाईवे के किनारे कब्जा करते चले गए, नदियों के किनारे, काफी जमीनें होती है ना, नदी चौड़ी होती है तो वहां किनारे किनारे कब्जा करते चले गए, पहाड़ियों के किनारे कब्जे करते चले गए, जंगलों में कब्जा करते चले गए। ये पूरी जमीन अवैध रूप से कब्जा करके रखी हुई है, और कब्जा इसलिए किया वक्फ बाई यूजर, जो नरसिम्हा राव ने 1995 में जो कानून में लिख दिया था उसी का फायदा उठाया है, नेहरू जी ने जो उसको यूज किया था उसी का फायदा उठाया, अदरवाइज अंग्रेजों के समय में इतनी जमीन नहीं थी। मैंने आपको कहा कानून पहला बना 1917 में, देश आजाद हुआ 1950 में, संविधान लागू हुआ 1950 में, 1917 से 1950 में टोटल कितनी जमीन? 45,000 एकड़। और 1950 से जैसे ही नेहरू का कानून बनता है 1954 में, एक एक जमीन बढ़ना शुरू होती है। 1995 में जैसे कांग्रेस का फिर से कानून नया वाला आता है, 1995 वाला वर्ड, फिर से जमीन बढ़ती है। तो 1954 से 1995 तक लगभग 4.5 लाख एकड़ जमीन होती है। 1995 से अभी 24 तक आते फिर 4 लाख से ज्यादा हो जाती है। अंग्रेजों के टाइम में टोटल जमीन होती है 45,000 एकड़, और आजाद भारत में हो जाती है वो एकड़ 10 लाख एकड़। ये जो जमीन बढ़ी है केवल और केवल कांग्रेसी कानून के कारण हुई है, कब्जा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, इस देश को अगर बचाना है तो आपको अंग्रेजी कानून तो 100% खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेजों ने एक भी कानून हमारे लिए नहीं बनाया था, हमारे देश के लिए नहीं बनाया, भारत के लिए नहीं बनाया, सनातन संस्कृति के लिए नहीं बनाया। और कम से कम 50% कांग्रेसी कानून भी खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ने जितने कानून बनाए वो अच्छे मोटिव के साथ नहीं बनाए, अच्छे इंटेंशन के साथ नहीं बनाए। कांग्रेस ने या तो कानून क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए बनाया, या तो उन्होंने इस्लाम को प्रमोट करने के लिए बनाया। कांग्रेस ने एक भी कानून सनातन धर्म को, भारत की संस्कृति को, भारत की परंपरा को, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को, नारी तू नारायणी की भावना को, सर्व मंगल मांगल्य की भावना को, इसको प्रमोट करने के लिए एक भी कानून नहीं बनाया। या तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी प्रमोट करने के लिए बनाया, या तो इस्लाम को प्रमोट करने के लिए बनाया। इसलिए कांग्रेसी कानूनों को खत्म करना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। मैं सरकार का जो ये आया है इसको समर्थन करता हूं, जो 44 अमेंडमेंट आया है मैं इसका समर्थन करता हूं, पहले से अच्छा है। लेकिन एक नया सवाल ये होगा कि अगर बिरला जी धर्मशाला बना रहे हैं, बिरला जी की धर्मशाला पे मैं जाके बोलूं कि नहीं आप धर्मशाला मत बनाओ, ये तो हमारे पिताजी दादाजी ने मंदिर बनाने के लिए छोड़ा हुआ है, तो मेरा और बिरला जी का मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा। अब बिरला जी धर्मशाला बना रहे हैं और ओएसी जाके बोले कि भैया ये यहाँ आप यहाँ धर्मशाला मत बनाओ, हमारे अब्बू ने यहाँ पे कुछ और करने के लिए छोड़ा हुआ है, तो जानते हैं वो मुकदमा वक्फ बोर्ड वक्फ ट्रिब्यूनल में चला जाए। मतलब खुद की केस का खुद ही जज बने? हाँ, ऐसा तो नहीं, न्याय के तहत तो नहीं, इसलिए